दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारती सिंह के घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीबी का दावा है कि भारती सिंह और उनके प्रति हर्ष लिम्बाचिया दोनों ने गांजे के सेवन की बात को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि भारती सिंह को NDPS एक्ट 1986 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको बता दें कि भारती सिंह को कितने साल की सजा हो सकती है अगर वो दोषी पाई जाती है। तो दोस्तों NDPC एक्ट 1986 के तहत आपको बता दें कि यदि गांजे की क्वांटिटी 1 किलो तक है तो दोस्तों उनको कम से कम 1 साल की सजा और 10,000 रुपए के ऊपर तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है प्रावधान। आपको बता दें कि उनको पनिशमेंट के तौर पे ये हो सकता है जरूर, 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर भारती सिंह इसमें दोषी पाई गई तो जरूर उनके ऊपर NDPS एक्ट 1986 के तहत 1 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों अब देखने वाली यह बात है कि NCP इनको दोषी करार करती है कि नहीं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।